वेलकम कम बैक यूथ रेज ई लर्निंग प्रोग्राम। प्यारे बच्चों, यूथ रेज ई लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ रतनलाल। टुडे टॉपिक्स सब्जेक्ट साइंस, 10th क्लास, चैप्टर फर्स्ट, एक्सरसाइज क्वेश्चंस। आज हम एक्सरसाइज क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, अभ्यास के प्रश्नों के बारे में। तो क्वेश्चंस फर्स्ट है हमारा एक्सरसाइज का, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? संतुलित रासायनिक समीकरण ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के समान होती है, संतुलित समीकरण कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड्स। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास हाइड्रोजन के टू एटम्स हैं, क्लोरीन के भी टू एटम हैं, बट इन केस ऑफ राइट हैंड साइड्स हमारे पास हाइड्रोजन वन है, क्लोरीन वन है, लेकिन हम संतुलित करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई टू, इसको भी टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी टू से, बोथ आर टू मल्टीप्लाई, दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। इस प्रकार ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है क्योंकि अभिकारक के परमाणु की संख्या उत्पाद के परमाणु की संख्या के बराबर हो जाती है, तो संतुलित समीकरण कहलाती है। सेकेंड पॉइंट में है, इसमें संतुलित करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, इसलिए उसको संतुलित किया जा सकता है। एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल है हमारा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड्स, लेफ्ट हैंड साइड्स एंड राइट हैंड साइड्स। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन टू है एटम्स, क्लोरीन एटम भी टू है, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन एटम वन है, क्लोरीन एटम वन है, तो इसलिए रासायनिक अभिकरण में उत्पाद के परमाणु की संख्या अभिकारक के परमाणु की संख्या के समान नहीं है, इसलिए समीकरण को संतुलित करना अति आवश्यक है। थैंक्स बॉय।